एक नहीं हजार बच्चों के ये सवाल हैं कि सर फॉर्म भरूं या ना भरूं, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, सर फॉर्म भरने में डर लग रहा है। 6 साल से वैकेंसी नहीं आई थी, सरकार ने इस बार वैकेंसी दी और इतनी कम वैकेंसी दी, कैसे होगा, कैसे सिलेक्शन होगा। कैंपेन चलाना चाहिए, हर टीचर का साथ देना चाहिए, इसमें व्यूज बटोरने चाहिए। बहुत से यूट्यूबर हैं इस चीज में व्यूज बटोर रहे हैं, लेकिन बच्चों इस चीज में आपको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि जो हो गया है वो हो ही जाएगा, ठीक है। जिनका सिलेक्शन होना है वो हो ही जाएगा, उसमें आप भी हो सकते हो। आपको मैं एक सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा हूं इस वीडियो में कि सिलेक्शन आपका भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, पूरी जानकारी आपको दूंगा, और आपको ये समझ में आएगा कि कट ऑफ जो है ना वो एक या दो कट ऑफ नहीं, 3 कट ऑफ पूरी बन रही है। बैलेंस बनाना है अपना, ठीक है। तो अफवाहों में मत पड़ो, अभी जो आपको जो करना है इन्हीं वैकेंसी के साथ, कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे क्या प्रोसेस होगा, कैसे हम लास्ट तक पहुंचेंगे और अपना सिलेक्शन लेंगे, ये सब कुछ लास्ट तक अगर वीडियो देख लोगे आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि हाँ मैं भी इस दौड़ में अभी शामिल हो सकता हूं, ठीक है। तो इन अफवाहों में मत पड़ो, वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लो। चलो, जैसा कि आपको पता है आरआरबी ने 2024 में आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली हुई है, ठीक है, एसआई और कांस्टेबल दोनों की, जिसमें दरोगा की 452 और कांस्टेबल की 4208 वैकेंसी है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अंदर की बात क्या है, क्योंकि नोटिफिकेशन में दावा किया है कि ये फिजिकल के लिए 10 गुना लोगों को बुलाएंगे। कितने गुना? 10 गुना लोगों को बुलाएंगे, जिसको अगर देखा जाए काउंट करके तो ये हो रहा है 46,600 बच्चे पास होंगे पहली कट ऑफ पे। पहली कट ऑफ बनेगी क्या, ये सब अंदर की बातें, ये तो उसने नोटिफिकेशन में बोला है। जब अंदर की बात क्या है वो हम 2018 की भर्ती को देखकर अंदाजा लगाएंगे, पता करेंगे, कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। देखो, 40,600 बच्चे अगर पास होंगे तो मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि वैकेंसी कम है, 452 दरोगा की वैकेंसी है, तो आपकी दरोगा के लिए जो कट ऑफ बनेगी वो 100 से प्लस ही रखेंगे, वो बहुत कम वैकेंसी है, कट ऑफ ज्यादा रहेगी 120 में 100 प्लस। कट ऑफ अगर देखोगे कांस्टेबल की तो 75 के ऊपर ही रहेगी, ठीक है, 75 के ऊपर रहेगी कांस्टेबल की। मैं दोनों भर्तियों को एक साथ लेकर चल रहा हूं, क्योंकि टोटल पे बात कर रहा हूं 4,060 पर, ठीक है, वो बाद में वीडियो बना लेंगे अलग अलग पे, अभी इसको समझते हैं, क्योंकि अभी जो डर है ना वो डर दूर करना है। आपको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए ये भी डर दूर करना है, ठीक है। ये डर नहीं है, आपको खुद कन्फर्म हो जाएगा कि सर अब तो फॉर्म भरना ही है, आपने ये जो बता दिया है। देखो, अगर पिछली भर्ती को देखा जाए तो जो पहली कट ऑफ आई थी उसमें 12 से 13 बच्चे में एक बच्चा फिजिकल पास कर रहा था, बहुत बड़ी बात हो गई। हो गया कितना, 7 से 8 या 6 से 7% केवल बच्चा पास हो रहा था, 100 में 6 ही बच्चे पास हो रहे थे, 7 ही बच्चे पास हो रहे थे, ठीक है। तो अगर हम यहां पर वही अंदाजा लगाएं तो 46,600 जो बच्चे पास होंगे, जिनका ये कट ऑफ मान लो बढ़िया कट ऑफ है, तो उसमें 3,000 बच्चे फिट हो जाते हैं। 3,000 अगर बच्चे फिट हो गए हैं तो भाई बचे कितने, लगभग 1,600 से ज्यादा बच्चे अभी भी बच गए हैं, खाली स्थान है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो अगर वो 10 गुना भी नहीं बुलाएंगे, मैं अपने हिसाब से मान रहा हूं कि मिनिमम वो 5 गुना तो बुला ही लेंगे, कि जो 1,600 बच्चे बच गए हैं उनके लिए 5 गुना बच्चों को तो बुलाया जाएगा, लगभग 8,000 बच्चे दोबारा में बुलाए जाएंगे सेकंड राउंड में। यही है सेकंड राउंड का काम, ठीक है। अब सेकंड राउंड में जो बुलाए जाएंगे उनकी कट ऑफ क्या होगी, तो पहले तो हम ये बता देते हैं, लगभग अगर आप ये मिनिमम, ये बहुत कम बुलाएंगे, जब बहुत कम बुलाएंगे तो 54,600 बच्चे पास करना होगा इनको। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर ये 5 गुना को 10 गुना कर लें या 3,000 से कम ही बच्चे फिट हो पाए तो इनको लगभग 70,000 बच्चों को मोटा मोटा बुलाना होगा। 70,000 बच्चों को ये पास करेंगे, वो चाहे फर्स्ट सेकंड राउंड दोनों को मिला के बात कर रहा हूं, ठीक है। आपको मौका मिलेगा अगर 70,000 बच्चों में भी आप आ सकते हो तो, ठीक है। अब 70,000 बच्चों में आप ये समझ लो, फर्स्ट जो राउंड था उसमें जो बच्चे आए थे वो 100 क्वेश्चन सही करने वाले एसआई में, 75 क्वेश्चन सही करने वाले कांस्टेबल में आ गए थे, लेकिन सेकंड राउंड में जो बनेगा वो 90 से 95 जिनके थे क्वेश्चन सही थे वो एसआई में आ गए, और 70 के ऊपर जिनके थे वो कांस्टेबल में आ गए। लगभग 5 से 7-8 नंबर भी हो सकता है कि कम हो जाए, ठीक है। तो सेकंड राउंड में बच्चे बुला लिए गए। अब बहुत से बच्चों को ये लगेगा कि सर तो फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो भैया फाइनल कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, इतनी तो नहीं जाएगी, क्योंकि इनको डाउन करना पड़ा है कट ऑफ, क्योंकि इतने में जो 100 और 75 की जो कट ऑफ जा रही थी इसमें जो बच्चे थे वो
पढ़ने में अच्छे थे लेकिन दौड़ने में फिजिकल में फिट नहीं थे, ठीक है, तो इसलिए इनको डाउन करना पड़ा। तो कट ऑफ क्या है, आप ये मोटा मोटा समझ लो कि 90 95 और 70 प्लस तक ही कट ऑफ रहेगी, ठीक है। एसआई की अब इसमें ही तो कट ऑफ बनेगी, ये तो ऑलरेडी फिट हो गए इसमें जो बच्चे थे, अब जो डाउन किए कट ऑफ उसमें ही तो लड़ाई होगी जब डीवीवी उनका होगा, तो इतने में ही कट ऑफ रहेगी, लगभग बढ़ेगी नहीं मेरे हिसाब से। हो सकता है बस इन्हीं में 2-3 नंबर, क्योंकि 90 अगर 90 इन्होंने कट ऑफ गिरा दी तो 90 से 100 के बीच में, 90 कट ऑफ गिरा दिए तो 90 से 100 के बीच में ही ये बढ़ा सकते हैं दूसरे राउंड की कट ऑफ, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जानी है। एक चीज ये हो गई, आ जाओ अब आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, इसके लिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं एक चीज है, ये हमारा बैच है इसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले जरूरी है ये भी चीज, क्या ये आपको चित्र जो दिख रहे हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट चित्र हैं, ये फिगर है, तराजू है, ठीक है, इस तराजू पर जो फिट होगा वही नौकरी पाएगा वही वर्दी पाएगा। ये तराजू कैसा है, आपका जो तराजू दिख रहा है इसमें एक तरफ बच्चा जानते हो क्या है, इस तराजू में दो चीजें हैं, दो स्टेप हैं, एक तरफ है फिजिकल और एक तरफ क्या है, एक तरफ है आपको जो पढ़ना है जो पेपर देना है, ठीक है। तो पेपर में आपके अगर 110 के प्लस नंबर आ रहे हैं और फिजिकल में आप निल हो तो रिजल्ट जो निकलेगा फेल, तराजू बैलेंस करना है आपको, तराजू बैलेंस करना है, ठीक है। तो अब ये देख रहे हो कि ये 70 से कम नंबर हो गया और तुम फिजिकल में बहुत अच्छे हो, तब भी आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, फेल। लेकिन आप अगर एवरेज हो दोनों तरफ, बैलेंस करके चलो, फिजिकल में भी फिट हो, क्योंकि फिजिकल नॉर्मल नहीं आ रहा बच्चा, मैंने बताया ना 12 से 13 लोगों में एक लोग पास हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ये लेकर चलोगे कि फिजिकल में भी फिट हो और आपका ऑन एवरेज 90 के ऊपर चल रहा है मामला एसआई के लिए, और अगर कांस्टेबल की बात करूं तो 70 के ऊपर चल रहा है, तो आप भैया सिलेक्शन ले लोगे, 100% ले लोगे। तो आप इस दौड़ में शामिल हो, आप 120 में अगर 70 नंबर नहीं ला रहे हो तो भाई बहुत कमजोर हो, ठीक है। तो आपको क्या करना क्या चाहिए, मैं बेसिक वाले बच्चों के लिए गारंटी बैच चला रहा हूं जो जिनको कुछ नहीं आता है। और एक तो एक चीज, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये सेकंड राउंड वाला मामला 2018 में हुआ ही नहीं था, तो ये देखो पूरा का पूरा मैं आपको ये सबूत दिखा दे रहा हूं। देखो सबसे पहले एडमिट कार्ड आया था, ये सरकारी रिजल्ट की ही आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। फिर उसके बाद पेट के लिए आया था, पीटी हुआ था, ठीक है, मतलब यही फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिर उसके बाद डाउनलोड एसआई कट ऑफ, एसआई की कट ऑफ आई थी, फिर डाउनलोड एसआई स्टेज सेकंड रिजल्ट आया था, फिर डाउनलोड कांस्टेबल कट ऑफ आई थी, फिर देखो डाउनलोड एसआई फाइनल मेरिट लिस्ट, और यहां से देखो चालू हुआ क्या, सेकेंड राउंड पीईटी पीएसटी डाउनलोड कांस्टेबल सेकेंड राउंड। यानी जब बच्चे इनको नहीं मिल पाए तो इनको क्या करना पड़ी, कट ऑफ को डाउन करना पड़ा। फिर देखो डाउनलोड एसआई सेकंड राउंड पीटी पीएचटी, तो ऐसा इस बार भी पॉसिबल है, ठीक है, 100% होगा। तो मान के चलिए अगर 70,000 में आना है तो आपको अपना स्कोर कांस्टेबल के लिए 70 के ऊपर ही रखना है, ठीक है, एसआई के लिए 90 के ऊपर ही रखना है, वो अभी से तैयारी करनी है। अगर बच्चे आप कमजोर हो, देखो ये तीन कट ऑफ बनेंगी इस तरीके से। अब मैं अगर आपको बता रहा हूं, अगर आप कमजोर हो तो हमारा जो एक बैच है ये गारंटीड बैच है, गारंटीड बैच है कि आपको हम फिजिकल के लिए भेज देंगे, आपको हम फिजिकल के लिए तो भेज देंगे अगर आप हमारे साथ थोड़ी सी मेहनत कर लो। अभी टाइम है आपको, अगर पिछली भर्ती को देखा जाए तो आपको 6 से 7 महीने मिले थे, इस बार 4 महीने तो अपने पास हैं, 4 महीने में तैयारी कैसे करनी है ये भी समझ लो। हमारे जो गारंटीड बैच है इसमें ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा, हमारा जो लक्ष्य रहेगा, वो एसआई के लिए 110 प्लस करके चलेंगे। बहुत से बच्चे हैं भाई 452 वैकेंसी है, बहुत कम है, इसमें 452 में 452 बच्चे, क्या 1000 बच्चे नहीं मिलेंगे जो 110 के ऊपर नंबर लाएंगे, क्योंकि यहां पर नॉर्मलाइजेशन भी होगा बच्चे, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, नॉर्मलाइजेशन में नंबर भी बढ़ेंगे, तो इसमें कोई संदेह मत करना। कांस्टेबल के लिए हम 90 प्लस का टारगेट रखेंगे, ठीक है, आपको ये सब चीजें पता ही है। लेकिन अब ये आएगा कैसे, ये हमारा बैच है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम उन बच्चों को जोड़ रहे हैं जो हमारे साथ सफलता के रास्ते पर चल सके, हम उनको जोड़ रहे हैं अपने साथ, ठीक है। आप सफल होगे, हमारा नाम लोगे, और हमारे लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि आप हमारे साथ सफल हो रहे हो, ठीक है। देखो ये हमारा जो बैच है, चयन बैच सिपाही के लिए है, 560 का बैच है, आरपीएफ 30 कूपन लगाओगे तब ये 560 का मिल जाएगा, ये 800 रुपए का बैच है, ठीक है। आरपीएफ 30 कूपन कोड लगाओगे तो ये जो 999 का बैच है ये 699 का पड़ जाएगा, क्लियर है, ये दोनों बैच। अब कहोगे सर हम कौन सा बैच लें, हम तो जो बच्चे दोनों फॉर्म डाल रहे हैं वो केवल एक बैच लेंगे एसआई का। अगर आप कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हो और सोच रहे हो एसआई की भी कर रहे हैं तो आप केवल ये वाला बैच लो, अगर केवल कांस्टेबल की कर रहे हो तो भाई केवल कांस्टेबल वाला बैच लो, ठीक है, बैच एक ही लेना है।
चाहे आप एक अगर एसआई की केवल कर रहे हो तब भी आप ये लो, ठीक है, लेकिन अगर दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी आप एक ही बैच लो ये वाला, ठीक है। क्या क्या स्पेशल क्या क्या है, हम लोग इसमें आपको नोट्स बनवाएंगे, 3 से 4 महीने प्रॉपर नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे, मेहनत आपको करनी है, हमारा गाइडेंस आप ये समझ लो कि सटीक पॉइंट टू पॉइंट गाइडेंस रहेगा, हर एक चीज को बिल्कुल एक एक चीज आपको बताएंगे, पूरा पेपर आपको एनालिसिस करवाएंगे पुराना 2018 का कि कैसे पेपर बना था, कैसे कट ऑफ गई, हर एक गाइडेंस आपको दिया जाएगा पूरी टीम के साथ, क्लियर है। तो ये सब कुछ प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, क्लास नोट्स, प्रिंटेड कलर शीट, 20 फुल मॉक टेस्ट आपको करवाए जाएंगे, इसके साथ प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। ये सब कुछ मिलेगा कहाँ, ये बैच कहाँ दिखेंगे, ये बैच हमारे, ये हमारा एक एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पर, जहां से आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो वहीं से आपको हमारा एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, ठीक है। यहां पर और भी सारे कोर्स चल रहे हैं, लेकिन अभी आप जिस कोर्स के लिए आए हो वो है आरपीएफ के लिए, ठीक है, आरपीएफ के लिए एसआई चयन बैच और कांस्टेबल का। तो भाई अगर कोई भी दिक्कत आ रही है यहां पर जाने पे, तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट करके अपना पूरा जानकारी ले सकते हो, सारी समस्या का समाधान यहां पर दे दिया जाएगा। कोर्स कहां पर मिलेगा, जैसे ही आप नाम और नंबर डाल के अपना रजिस्ट्रेशन करते हो हमारे एप्लीकेशन के साथ, वैसे ही आपको ये इंटरफेस दिखेगा। ऐसा इंटरफेस दिखने के बाद आपको यहां पर क्या है, ये जो पहला ही ऑप्शन है पेड कोर्स वाला, इस पर जाओगे आपको ये दोनों बैच मिल जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं आरपीएफ 30 कूपन कोड लगाएंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा। देखो बेटा ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि आपको बहुत से लोग बताएंगे कि इस ट्विटर कैंपेन में भाग ले लो, ये भर्तियां कम है। बेटा जो भर्तियां आ गई है वो इससे कम तो नहीं होंगी, बढ़ जाएंगी तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। मेहनत लेकिन अभी से करना है, क्योंकि ये मौका निकल गया ना तो बस आप ट्विटर कैंपेन चलाते रहोगे, आप सभी अफवाहों में पढ़ते रहोगे, ये सब चीजें होंगी, लेकिन सही राह कोई नहीं दिखाएगा। तो सही राह के आपको खुद सोचना है, आप इतने कैपेबल हो, 18 के प्लस हो, आप खुद सोचो कि अभी से अगर तैयारी करेंगे तो पॉसिबल है। मैं खुद कह रहा हूं, अगर आप इंटर में फर्स्ट डिवीजन नहीं हो, हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन नहीं हो, तब भी आपको नौकरी मिल सकती है, बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, हर एक चीज, हर एक पॉइंट पर सब कुछ पूरा पूरा डिस्कशन होगा कि कैसे नंबर आपके इंक्रीज हो सकते हैं, सब कुछ हमारे बैच में सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें रहेंगी, आपको आना है, जुड़ना है हमारे बैच के साथ और हमारे साथ पढ़ाई करना है, ठीक है। गारंटीड कह रहा हूं 70,000 में तुम्हारा नाम होगा, मैं फिजिकल के लिए दावा करता हूं कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर ले गए तो हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो शेयर करिएगा, पूरी जानकारी दी है, आपको जरूर फॉर्म भरना चाहिए, आप बेसिक से बेसिक हो, आप थर्ड डिवीजन आ रहे हो, फेल हो रहे हो, तब भी आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए, क्लियर है। आप बस ये वैकेंसी मत देखो कि बहुत कम वैकेंसी है, आप ये देखो कि हम जो करने जा रहे हैं, हमारे लिए जो पद हैं वो 70,000 है, मुझे 70,000 में आना है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करिएगा भाई, और लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है, सब कुछ कंटेंट ढूंढना पड़ता है, सब कुछ दिखाना पड़ता है, ये सब आपके लिए होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।